नरेंद्र मोदी की देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जनता ने एनडीए को सरकार बनाने के लिए 292 सीटों से जिताया है। इसी को लेकर देश सहित विदेशों के बड़े बड़े नेताओं ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। इसी के तहत इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी को जीत की बधाई दी। हालांकि सबकी निगाहें मेलोनी की विशेष पर ही टिकी थी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मीम्स खूब सारे वायरल होते हैं। मेलोनी के विश पर पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है। पीएम मोदी को बधाई देते हुए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा था, बधाई हो नरेंद्र मोदी, नई चुनावी जीत के लिए और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों की भलाई के लिए, हमें जोड़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने धन्यवाद देते हुए लिखा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। हम भारत इटली की राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे साझा मूल्यों और हितों पर आधारित है। दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। आपको ये भी बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और लिखा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिली। हालांकि सोशल मीडिया पर मेलोनी के विश का सभी इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मेलोनी का ट्वीट वायरल हुआ वैसे ही मीम्स की भी बाढ़ आ गई। फिलहाल नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे तीसरे व्यक्ति होंगे जो तीन बार लगातार पीएम बने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।